फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़। तो व्हाट्स अप बडीज, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ नामी करके एक मूवी रिलीज हुई है और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस वाली मूवी का नाम सुना होगा और होपफुली इस वाली मूवी को देख लिया होगा। और ये वाली मूवी एक वीडियो गेम अडॉप्शन है। तो इस वाली वीडियो में मैं इसी मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये एक थ्रिलर मूवी कैसी है, जो इसकी काफ़ी ज़्यादा महीनों से हाइप बनी हुई थी इसके ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही। तो हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। और यस, ये जो पूरा रिव्यू है ये नॉन स्पॉइलर होने वाला है। अब हम सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। इस मूवी की स्टोरी बेसिकली एक लोकेशन पर बेस्ड है और उस जगह का नाम होता है फ्रेडीज फैजबियर पिज़्ज़ा। और ये जो लोकेशन होती है, यहाँ पर ये 1980s के बाद से अबैंडन कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद से हम देखते हैं माइक, हमें करैक्टर देखने को मिलता है जो कि हमारा मेन करैक्टर होता है, और वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड होता है। रात की नाइट की उसकी ड्यूटी होती है, वो वहाँ पर सिक्योरिटी जो पूरी निज़ाम है उसको देखता है। मगर उसको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखी होती। और उसको वहाँ पर मिलता है एनिमेट्रॉनिक्स, यस, काफ़ी ज़्यादा जाइंट्स रोबोट्स उसको देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और वो वहां पर लाइफ में, यानी कि सिर्फ वो वहां पर लुके हुए नहीं है, वो वहां पर मूव कर सकते हैं, वो वहां पर रियल ह्यूमंस की तरह सब कुछ बिहेव कर रहे हैं। और इसके बाद मूवी में क्या होता है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा भी मैंने और बता दिया वहां पर स्पॉयलर हो जाएगा। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि मुझे पर्सनली इस वाली मूवी में अच्छी लगी और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग ये वाली मूवी देखें। सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों ने इसको एक सिंपल हॉरर मूवी नहीं रखा। अगर आप लोगों ने भी मूवी देखी है, आप लोग इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस मूवी में, इस डेढ़ घंटे की मूवी में हमें काफ़ी ज़्यादा एंगल्स देखने को मिले। कोई एक सिंपल स्टोरी नहीं है कि हाँ सिंपली जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक हॉन्टेड जगह पे जाता है और वहाँ पे उसके साथ काफ़ी अजीब बिहेव होता है। हमें जो मेन करेक्टर माइक देखने को मिला है और उसकी जो सिस्टर भी देखने को मिली है, वहाँ पर उसका इन एनिमेट्रॉनिक्स से क्या लिंक था, वहाँ पर इन दोनों का क्या रिलेशन था, पास्ट जो हमें इसका दिखाया गया माइक का, जो इसका ब्रदर, क्या हमें थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है, वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, थ्रिलर बना देती है। और ये जो इन लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग साइड स्टोरीज ऐड की है मूवी में, ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इससे हम जो कहते हैं ना, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाते हैं और मूवी देखने में हमें और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अगली चीज़ मैं बात करूँगा वो है इसमें थ्रिलर एलिमेंट। यस, यहाँ पर थ्रिलर तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा है, कोई अलग लेवल का मैं नहीं बोलूँगा, मगर यस, जो हम थ्रिलर मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। मूवी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग टू एंड हमें अपने साथ कनेक्ट करके रखती है, एंड तक जो है ना हमें थ्रिलर ही देखने को मिलेगा, लिटरली क्लाइमैक्स में ना, और क्लाइमैक्स के भी क्लाइमैक्स में, लास्ट के लास्ट मिनट्स में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है। मतलब मूवी के एंड तक वो हमें जो है ना कंफ्यूज ही करके रखते हैं कि यार ये जो एनिमेट्रॉनिक्स हैं, ये जो जॉइंट रोबोट्स हैं, ये कर क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इनका मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमें जो माइक देखने को मिला है उसका इनके साथ क्या लिंक है। मतलब मूवी चल रही होती है और हम देखते हैं अच्छा यार अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, हमें कुछ क्लियर पता नहीं लगता। ये मैं उनकी बात करूँ जिन्होंने गेम नहीं खेली हुई लाइक मी। और यस, ये हमें यहाँ पर इस वाली मूवी में दिखाया गया, मूवी थ्रिलर से भरी है, एंड तक आप लोगों को है ना थ्रिलर वाली चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, और मूवी एंड भी अपने थ्रिलर वे में, थ्रिलर अंदाज में होती है। तो यस, अगर आप लोगों को थ्रिलर मूवीज़ देखने का शौक है तो आप लोगों को ये वाली मूवी मस्ट देखनी चाहिए। अगली चीज़ में आ जाता हूँ हॉरर पे। देखें, ये वाली मूवी एक वीडियो गेम अडॉप्शन है, जो कि जो गेम थी वो भी एक हॉरर बेस्ड गेम थी। मगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनली बताऊं अगर ब्रीफली, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज़। लिटरली मैं हॉरर मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं देखता। यहाँ पर मैं हॉरर फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ जिनका मुझे नाम याद है, द कंजरिंग हो गई और एनाबेल, यहाँ पर हो गई एनाबेल क्रिएशन, जो डिफरेंट हमें पूरी फ्रेंचाइज देखने को मिलती है। मगर ये वाली मूवी का जब मैंने ट्रेलर देखा था, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में देखने गया था सिनेमा में, उससे पहले इस वाली मूवी का वहाँ पर ट्रेलर लगा था, मुझे तब भी पता लगा था कि यस दिस मूवी इज़ गोइंग टू रिलीज, और वहाँ पर मुझे इतनी कोई हॉरर लगी नहीं है। और इसकी जो रेटिंग है वो भी PG-13 की है, और इसकी वजह यही है कि वहाँ पर वो इस वाली मूवी को पूरा हॉरर नहीं बनाना चाहते, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यहाँ पर यंग टीनेजर्स को भी रखना चाहते हैं, तो ताकि वो भी इस वाली मूवी को देख पाएं। तो यस, हॉरर में मैं यही कहूँगा, वैसी हॉरर मूवी नहीं है, मगर इस मूवी में हमें हर थोड़े थोड़े सीन्स के बाद, खासतौर पर जो फ्रेडी फैजबियर पिज़्ज़ा के हमें सीन्स देखने को मिलते हैं, उसमें आप लोगों को जंप स्केयर ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर थोड़े थोड़े सीन्स के बाद हमें जंप स्केयर
मूवमेंट जरूर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा स्केल कर दें, तो इस लेवल तक ही यहाँ पर बस स्केली मूवमेंट्स हैं। अगली चीज मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा, और परफॉर्मेंस में मैं सबसे पहले जिन एक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, और उन एक्टर का नाम है नन अदर देन जोश ह्यू चैटसन। अब ये जो एक्टर है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सालों बाद, आई थिंक 5 to 6 years पहले मैंने इनकी कोई मूवी देखी थी, और इनकी जो दोनों मूवीज मैंने एक साथ देखी थी, उन मूवी का नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और जर्नी टू द मिस्ट्री आइलैंड। ये वाली मूवी भी आप लोगों को जरूर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को एक जर्नी मिस्ट्री मूवी का शौक है। और उसके बाद से अब यहाँ पर मैं इनकी एक अगली मूवी देख रहा हूँ, और इस वाली मूवी में भी इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एलिजाबेथ रेल और पाइपर रोबियो, इनका काम भी मुझे इस वाली मूवी में अच्छा लगा। अगली चीज़ में आ जाता हूँ जो कि इस वाली मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाती है, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर मैं इसको नंबर 1 पर रखना चाहूँगा, एंड विच इज़ आर्ट डायरेक्शन एंड कलर टोन। आर्ट डायरेक्शन आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा नेसेसरी होती है मूवी को एक अच्छा बनाने में, विजुअली अपीलिंग बनाने में, और इस वाली मूवी में तो आर्ट डायरेक्शन टॉप की होनी ही चाहिए थी। हमें यहाँ पर खासतौर पर जो फ्रेडी फिजबेल के सीन्स देखने को मिले हैं, जो उस अबेंडन प्लाजा के सीन्स देखने को मिले हैं, जो उसमें जो आर्ट डायरेक्शन यूज़ की गई है, और ख़ासतौर पर हमें जो एनिमेट्रॉनिक्स देखने को मिले हैं, जो रोबोट्स देखने को मिले हैं, उनको उन लोगों ने जिस तरह से डिवेलप किया बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, बिल्कुल गेम एक्यूरेट रखते हैं। तो यस, आर्ट डायरेक्शन इस वाली मूवी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, विजुअली अपीलिंग थी ये वाली मूवी। उन लोगों ने जो कलर टोन का इस्तेमाल किया वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो नाइट के सीन्स हैं, इन्होंने जिस तरह से कलर टोन और डिफरेंट कलर थीम का यूज़ किया वो इस वाली मूवी को काफ़ी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग और अच्छा बनाती है। अब इस वाली मूवी में मुझे कुछ मिसिंग भी लगा, वो ये कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ वो क्या था। अगर आप लोगों ने भी पूरी मूवी देखी है, आप लोगों को भी ये वाली चीज़ पता लग जाएगी कि हमें कोई 100% जवाब नहीं दिया गया कि एक्चुअली में क्या चल रहा था। और सबसे पहले तो मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि अगर तो इस वाली मूवी का सीक्वल रिलीज इन लोगों ने करना है, जो कि होपफुली करेंगे भी, तो तब तो ये वाली बात सही है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगली दोनों पार्ट्स के लिए बचा के रख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं फाइनल बिल्डिंग के बारे में बात करता हूँ, तो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एक अच्छी स्टोरी के साथ। वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें जो विजुअली अपीलिंग, जो इन लोगों ने आर्ट डायरेक्शन और कलर टोन का यूज़ किया, जो हमें वर्सेटाइल करेक्टर्स देखने को मिले ना खास तौर पर, और जो हमें रिलेशन दिखाया गया, जो माइक और उसकी सिस्टर होती हैं करेक्टर्स, उनका रिलेशन विद एनिमेट्रॉनिक, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि कैसे ये दोनों आपस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जो हमें थ्रिलर मूवमेंट्स देखने को मिले, जो पूरी मूवी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और ये यहाँ पर सब कुछ मुझे अच्छी लगा। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी ये वाली मूवी देखें, और अगर तो आप लोगों ने देखी है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर ओवरऑल मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 10 में से 7.5 की दूंगा। तो बस ओवरऑल वीडियो यही तक थी। आप लोग अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।